राकेश झुनझुनवाला ने कहा कि वो नहीं खरीदेंगे बिटकॉइन चाहे वो हो $5 का। शक्तिकांता दास ने बताया मेजर कंसर्न्स रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसीज। चलिए बात करते हैं इन सब के बारे में थोड़ी डिटेल में ओनली ऑन राकेश झुनझुनवाला, हु इज ऑल्सो नोन एज इंडियाज वॉरेन बफे, के व्यूज भी वॉरेन बफे को मैच करते हैं व्हेन इट कम्स टू क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो वर्ल्ड के लोग आर वेल अवेयर कि कैसे वॉरेन बफे हैज बीन स्ट्रांगली स्पीकिंग अगेंस्ट द क्रिप्टो इकोसिस्टम। इनफैक्ट उन्होंने अपने ओपिनियंस को सपोर्ट करते हुए कहा कि क्रिप्टो करेंसीज की बेसिकली कोई वैल्यू नहीं एंड वो कुछ प्रोड्यूस नहीं करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वो कोई भी क्रिप्टो करेंसी ओन नहीं करते हैं और ना ही करेंगे। अब उनके इंडियन काउंटर पार्ट कहाँ पीछे रहने वाले थे। मिस्टर झुनझुनवाला ने अपने CNBC के इंटरव्यू में कहा कि वो बिटकॉइन नहीं खरीदेंगे चाहे वो $5 का भी हो जाए। उन्होंने कहा कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ सॉवरेन के पास हक है करेंसी को रिलीज करने का। अगर कल को कोई 5 लाख बिटकॉइन प्रोड्यूस कर देगा तो फिर कौन सी करेंसी जाएगी। कोई चीज अगर 5 से 10% फ्लक्चुएट करती है एक दिन में वो करेंसी कैसे हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर डॉलर एक दिन में 1 या 2% फ्लक्चुएट करता है तो वो एक बड़ी न्यूज बन जाती है, पर बिटकॉइन तो 10 से 15% फ्लक्चुएट करता है हर दिन। क्रिप्टो बैनिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फिर से कहा कि करेंसी को इशू करने का राइट सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होना चाहिए, रेगुलेटर्स को क्रिप्टो करेंसीज को इंडिया में बैन कर देना चाहिए। दिस ऑल्सो गॉट मॉर्गन क्रीक डिजिटल फाउंडिंग पार्टनर एंथनी पोम्पलियानोज अटेंशन, जिन्होंने अपने यूट्यूब शो लंच मनी में ये कहा। Rakesh Jhunjhunwala, I think, he said the country's regulators should ban cryptocurrencies such as Bitcoin. He said he will never buy Bitcoin. He said, I think it's speculation of the highest order. I don't want to join every party in town. I think the hangover is much worse. How did he make his money? How did he make his money? Yeah, Google up real quick. How did he make his money? Let's see how Rakesh, I think is how you pronounce it, let's see how he made his money. He earned 1986. Uh-huh. He had bought 5,000 shares of Tata Tea at 43. Okay, so he's an investor. And the stock rose to 143 within 3 months. That's great volatility. Okay, what else? Go here. Let's see here. Giving him over 3 times. Okay, so he's an investor. Congratulations. His biggest investment. Oh, wow, you're a gambler. That's what you do for a living. You're a gambler. It's very volatile. You're a gambler. That's what you do. You go to the casino and you literally are betting on black or red over and over again on the future outcome of something that you have no control over. That's what you are. Well, maybe. You might be good at it. You're a billionaire. Congratulations. I'm so proud of you. But you're a gambler and gamblers gonna gamble. So don't talk about, oh, they're speculating. No, what you're saying is you don't understand that game, so you aren't gonna go play that game. By the way, that makes you an intelligent gambler. You understand your circle of competence, you're gonna stay within it. But let's not get it confused. They should write an article that says gambler. Because that's what you're doing. You're going to the stock market, which is a casino, and you are gambling on the future outcome of an asset that you have no control over. So if we want to start being real savages up in here, we're going to start calling people out. Some strong thoughts, right? अब हम जानना चाहेंगे आपके views. क्या मिस्टर झुनझुनवाला सही है बिटकॉइन की volatility को लेके और इसे करेंसी की तरह नहीं होना चाहिए use? पर उनकी स्टेटमेंट से ये नहीं लगता कि वो काफी अनइन्फॉर्म्ड है क्रिप्टो करेंसीज के कंसेप्ट और पॉसिबिलिटी से। फुल डिस्क्लोजर, आधे साल पहले तक मुझे भी सिर्फ इतना ही पता था कि बिटकॉइन ही है जो है और क्रिप्टो करेंसी वर्ड तो इम्पोर्टेंट था ही नहीं। बट आफ्टर गेटिंग इनटू इट मुझे समझ आया कि इट इज बियरली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। हाउ इज योर एक्सपीरियंस बीन लाइक, लेट अस नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। अब चलिए बात करते हैं RBI गवर्नर मिस्टर शक्तिकांता दास के क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड मेजर कंसर्न्स की। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि RBI के मेजर कंसर्न्स है क्रिप्टो को लेके एंड उन्होंने इन कंसर्न्स को गवर्नमेंट के सामने रखे भी है। गवर्नमेंट इन्हें अभी कंसिडर कर रही है एंड सुनर और लेटर गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट में कंसिडर होकर फाइनल आउटकम डिसाइड हो जाएगा। उन्होंने ये जरूर कहा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिफरेंट है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स आर येट टू बी एक्सप्लॉयटेड, बट क्रिप्टो को लेके एक मेजर कंसर्न है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मिस्टर दास ने इस बारे में और बात नहीं की, पर द सेंट्रल बैंक ने पहले भी काफी कंसर्न्स दिखाए हैं फॉर डिजिटल करेंसीज बीइंग यूज्ड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फंडिंग। बात फाइनेंस मिनिस्ट्री की हो या बिग ट्रेडर्स की, इन सब की बातों से यही लगता है कि ये लोग काफी अनअवेयर है क्रिप्टो करेंसीज को लेके।
क्या दिक्कत बस करेंसीज की तरह ट्रीट करने में है? डोंट यू थिंक इट इज रॉन्ग कि क्रिप्टो को करेंसी के दायरे में रख के उसके बाकी एस्पेक्ट्स और यूसेजेस को एक्सप्लोर ना करना गलत है? आई मीन देयर इज सो मच मोर यूटिलिटी टोकन्स है जिनका एक्चुअल यूज है सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं. ऐसे ही नॉन फंजेबल टोकन्स यानी NFT हैं जो कि आजकल काफी पॉपुलर हो रहे हैं. देर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड आई थिंक गवर्नमेंट नीड्स समवन जो उन्हें इन पॉसिबिलिटीज के बारे में अवेयर कर सके, क्योंकि उनके इंटरव्यूज और स्टेटमेंट्स में सेम बातों के रिपीटेशन से यही लगता है कि इनकी टेक्निक ही गलत है. इतना कुछ है क्रिप्टो में एंड इट इज हाई टाइम दैट द गवर्नमेंट गिव्स द कम्युनिटी अ फेयर चांस. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस, क्रिप्टो एज अ करेंसी या फिर क्रिप्टो एज एन एसेट? अगर आपसे पूछा जाए क्रिप्टो के पॉजिटिव पॉइंट्स तो आप गवर्नमेंट को क्या पॉइंट्स देंगे? लेट अस नो इन द कमेंट्स. ये थी आज की हाइलाइट्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो. वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले. सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाए ताकि कॉइन क्रंच इंडिया की कोई भी वीडियो ना मिस करें आप. चेक आउट द ट्विटर एंड टेलीग्राम लिंक्स मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. डू जॉइन द कम्युनिटी. टिल देन दिस इज मी #NG सेइंग अलविदा. जय ब्लॉकचेन.